गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज अपन चर्चा करने आए हैं परिणाम के ऊपर। तो दोस्तों, मैं बताने वाला हूं कि लक्ष्य क्लासेज का सन 2023 का जो परिणाम रहा है वो पूरे देवली में नहीं, पूरे टोंक जिले में सर्वश्रेष्ठ रहा है। इसके लिए मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ कि लक्ष्य ही क्यों बेस्ट है, देवली या टोंक जिले में लक्ष्य ही क्यों बेस्ट है। इसके बारे में मेरे साथ मैथमेटिक्स के ऐसे टीचर जिन्होंने देवली में, एकमात्र ऐसे टीचर है जिन्होंने देवली में 100 में से 100 नंबर दिलवाए, पूरी देवली में किसी भी इंस्टीट्यूट में 100 में से 100 मार्क्स नहीं आए, उनको बुलाना चाहूंगा, उनका स्वागत करना चाहूंगा। स्वागत है आपका राहुल सर, आइए और स्टूडेंट्स को बताइए कि लक्ष्य ही क्यों बेस्ट है। जी हाँ, नमस्कार। जैसे कि डीके सर ने बोला है, लक्ष्य ही क्यों बेस्ट है। देखो, किसी भी चीज के बारे में बेस्ट बोलना तब तक सही नहीं रहता है, तब तक सामने वाला बिलीव नहीं करता है जब तक दिखता नहीं है। जब तक दिखता नहीं है तब तक हम बेस्ट बोले कोई बिलीव नहीं करेगा। तो इस चीज के बारे में, इस लाइन के बारे में सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, देन आपको बताऊंगा कि क्यों बेस्ट है। तो वो दिखाने वाला हूं भैया, ये आप देख सकते हो, ये जो है आपका इस साल का, इसी साल का 12th का रिजल्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन कैंडिडेट हैं। पहला जो है वो 97% है, सेकेंड है 96% और थर्ड है 95%। ये जो 97% है, ये भैया आपकी देवली में, आपकी जहां अभी आप बैठे हो देवली में, लक्ष्य क्लासेस देवली में बैठे हो, यहाँ का ये पूरी देवली का टॉप रिजल्ट है। और कहा जाए कि ये टोंक डिस्ट्रिक्ट का आपका फर्स्ट रैंक है, टोंक डिस्ट्रिक्ट का सबसे अच्छा रिजल्ट है, सबसे बेस्ट रिजल्ट है। उसके बाद भी आप देख सकते हो यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज देखो, वो तो है ही बेस्ट। उसके बाद आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में देख सकते हो, फिजिक्स यहाँ पे आप देखोगे, फिजिक्स तीन कैंडिडेट हैं और तीनों के तीनों कैंडिडेट 100 out of 100। फिजिक्स में एक बंदे के 100 में से 100 लाने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ जाती है। इस क्लासेस ने, इस लक्ष्य क्लासेस देवली ने तीन तीन कैंडिडेट के 100 में से 100 मार्क्स फिजिक्स में दिलवाए। और भी आगे चर्चा करेंगे जी। तो देवली में लक्ष्य क्लासेज एकमात्र ऐसी संस्था है जिन्होंने केवल फिजिक्स में ही नहीं, मैथमेटिक्स में भी 100 में से 100 दिलाए हैं, 96%। तानिया नागर फिजिक्स में 100 में से 100, मैथ्स में भी 100 में से 100 और केमिस्ट्री में 100 में से 99 मार्क्स। और हमारे जो फिजिक्स के बहुत अच्छे टीचर है जिन्होंने पूरे साल जम के मेहनत की है, किशन जी सर को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने देवली का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। एक नहीं, तीन तीन विद्यार्थियों को 100 दिलवाए फिजिक्स में। इसके अलावा बात करना चाहूँगा 95% हरिशंकर साहू, इसके भी फिजिक्स में से 100 में से 100। तानिया नागर, इसके मजे वाली बात यह है कि इसके मैथ में भी 100 में से 100 नंबर आए हैं। और देवली में एकमात्र इंस्टीट्यूट है लक्ष्य क्लासेज जहां पर मैथ में 100 में से 100 नंबर आए हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में मैथ में 100 में से 100 नंबर नहीं आए हैं। और ये आपको जो डिजिट दिख रही है 97, 96, 95, ये आपको पूरी देवली में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रैंक है, ये आपको और कहीं भी नजर नहीं आने वाली है। क्योंकि लक्ष्य क्लासेज ने ही अब तक का देवली में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है 97% के साथ। कुछ और बात बताएंगे राहुल सर इसके बारे में। जी सर, देखो बच्चों, होता क्या है कि ये 100 में से 100, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। स्टूडेंट कितना ही इंटेलिजेंट हो, कितना ही गॉड गिफ्टेड हो, कितना ही माइंड उसका शार्प हो, जब तक उसको सही रास्ता, सही गाइडेंस, सही नोट्स प्रोवाइड नहीं कराए जाएंगे तब तक ये चीज़ मुमकिन नहीं होती है। और ये चीज़ एक एक सब्जेक्ट नहीं, तीन तीन सब्जेक्ट में यहाँ मुमकिन करा के दिखाई है। तो आप हम लोगों में बिलीव कर सकते हो, एक बार अगर आप भी हमसे कनेक्ट हो गए, कहीं ना कहीं आप इन तीनों की जगह आप भी नेक्स्ट ईयर आप जगह ले सकते हो। तो बेटा, ये जो जितने भी PCM जो सब्जेक्ट आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, ये चार सब्जेक्ट हैं, इन चार सब्जेक्ट में अगर आपने मेहनत की और इस 100 वाले मुकाम तक पहुंचे, इस परसेंटेज तक पहुंचे, तो आप आगे चल के बहुत अच्छा करने वाले हो। क्योंकि ये जो परसेंटेज होती है, ये जो मार्क्स होते हैं 100 में से 100, ये जो ओवरऑल परसेंटेज होती है, ये आपको आने वाली जर्नी में, आपके एजुकेशन जर्नी में, ये एज अ मोटिवेशन काम करती है, आपको बहुत मोटिवेट रखती है। आपको किसी से मोटिवेशन होने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपके अंदर वो खुद क्वालिटी होती है। आपकी मार्कशीट हमेशा आपके दिमाग में रहती है, लोगों की उम्मीदें आपके साथ रहती है, सामने वाले की उम्मीद बहुत रहती है, आपको मजबूर कर देती चीजें करने के लिए। तो बेटा आओ, आप यहां पे हम लोगों को बिलीव कर सकते हो यहां पे, क्योंकि जब हमने इनको करके दिखा दिया तो आपको क्यों नहीं दिखा सकते हैं। हम जो इनको पढ़ाया वो आपको पढ़ाएंगे, और डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, हर साल इंप्रूवमेंट ही होता है। यहाँ पे जो अभी आपको 99 मार्क्स केमिस्ट्री में दिख रहे हैं, नेक्स्ट ईयर आप पे, आप में से ही कोई ना कोई बंदा यहाँ पे होगा जो कि डीके सर ने पढ़ाया था केमिस्ट्री, नेक्स्ट ईयर ये भी आपको 100 में से 100 दिखेगा। PCM की बात करें, तीनों के तीनों सब्जेक्ट में दिखेगा, क्योंकि इस बार भी हमारे पास बहुत क्रीम बच्चे हैं। वो क्रीम तो होते हैं, लेकिन क्रीम को जब तक आप निखारोगे नहीं ना, तब तक वो क्रीम अच्छी नहीं लगती है, वो क्रीम आपको रिजल्ट नहीं देगी। जी डीके सर,
तो देवली के सभी विद्यार्थियों को ये कहना चाहता हूँ, लक्ष्य क्लासेज से जुड़िए, क्योंकि लक्ष्य क्लासेज आपके लिए, आपके बेहतरीन परिणाम के लिए सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी के साथ, बेहतरीन फैकल्टी के साथ आपको सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने की पूरी कोशिश करेगी, पूरी तैयारी करेगी। मैं यहाँ के सभी विद्यार्थियों को एक बार कहना चाहता हूँ कि एक बार लक्ष्य क्लासेज से जुड़ के देखिए, हम आपके सपनों के लिए, हम आपके परिणाम के लिए पूरी मेहनत लगा देंगे, पूरे साल लगातार मेहनत करेंगे, साथ में आपकी मेहनत और हमारी मेहनत लक्ष्य क्लासेज और आपको सर्वश्रेष्ठ बना देगी। इसके अलावा मैं कुछ और बताना चाहता हूँ आपको, राहुल सर से बात करते हैं। जी सर, और मेरा जितने भी यहाँ पे जो भी पेरेंट्स हमें देख रहे हैं इस लक्ष्य क्लासेज देवली के यूट्यूब चैनल से, जितने भी पेरेंट्स जुड़े हुए हैं उनके घर में, उनके बगल में, उनके गांव में, उनके रिलेटिव्स, उनके पड़ोसी जो भी हैं, एक बार आप यहाँ पे आओ और हम पे बिलीव करके देखो। देखो अगर आपने सही डिसीजन नहीं लिया और आपने दो साल के लिए किसी घटिया कोचिंग में, ऐसी जगह जहाँ पे कोई इन्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे आपने डाल दिया, तो आगे चल के आपके बच्चे का भविष्य कुछ अंधकार में जाने वाला है। क्योंकि ये जो दो साल होते हैं 11th 12th, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने इस पे अच्छा काम कर लिया, अगर बच्चे ने अच्छा काम कर लिया, गाइडेंस अच्छा मिल गया, प्लेटफॉर्म अच्छा मिल गया, तो नेक्स्ट की जो जर्नी है वो पेरेंट्स के लिए बहुत इजी हो जाती है। पेरेंट्स को कोई गाइड नहीं करना पड़ता है बच्चे को, बच्चा खुद इतना मैच्योर हो जाता है एक अच्छी परसेंटेज के साथ, एक अच्छी नॉलेज के साथ, एक अच्छी सोच के साथ। तो मेरा सारे पेरेंट्स से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक बार आप आओ, यहां की ग्राउंड रिपोर्ट देखो, यहां के बच्चों से मिलो, और यहां का आप माहौल देखो, यहां का क्या माहौल है, यहां की टीचिंग देखो, यहां के नोट्स देखो, सारी चीजें देखो, देन आप डिसाइड करो। अगर आपको ये बेस्ट लग रहा है तो यहां पे एडमिशन लो, अगर नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपके साथ हैं। जी राहुल सर, पेरेंट्स को मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि देवली का लक्ष्य क्लासेज जो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर स्टेबल फैकल्टी मिलेगी आपको। अगर आज जिन चेहरों को आप देख रहे हो, लास्ट ईयर जिन चेहरों से रिजल्ट बनाए, वही चेहरे आपको इस बार भी पढ़ाने वाले, आपके स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे मेन बात है स्टेबल फैकल्टी का होना, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा इश्यूज भी आता है कि बीच में टीचर छोड़ के चले जाते हैं, उससे क्या होता है, किसी का नुकसान नहीं होता, केवल बच्चों का नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर लक्ष्य क्लासेज में जो फैकल्टी है वो स्टेबल फैकल्टी है। दोस्तों टीचिंग की ही बात छोड़ते हैं, और क्या क्या फैसिलिटी है लक्ष्य क्लासेज में ये भी बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर बेटा अभी 11th और 12th के जो फाउंडेशन बैच है, उनके जो न्यू बैच है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप आइए, अपना एडमिशन करवाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए, और विश्वास दिलाता हूं मैं आपको कि लक्ष्य क्लासेज आपके सर्वश्रेष्ठ परिणाम के लिए आपके साथ हमेशा तत्पर रहेगी। बात करते हैं यहां पर लक्ष्य क्लासेज में एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स तीनों स्ट्रीम चलती है, और तीनों ही देवली में नहीं पूरे टोंक जिले में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था है। आगे बात करता हूं बेटा, आपको बताता हूं मैं, यहां पर 8th से लेकर 10th तक प्री फाउंडेशन चलती है। राहुल सर प्री फाउंडेशन के बारे में कुछ जानकारी देंगे। जी, प्री फाउंडेशन का क्या होता है, जब तक अपनी नींव मजबूत नहीं है तब तक आप उसमें बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते। प्री फाउंडेशन का मतलब है 8th to 10th पे अगर जो बच्चा अच्छे से मेहनत कर लेता है तो उसकी 11th और 12th की जर्नी है बहुत ही आसान हो जाती है, और अपनी जर्नी के सबसे लास्ट पीक तक पहुंच सकता है वो। लेकिन अगर आपने 8th से लेकर 10th तक अगर मेहनत नहीं की, बच्चे को अच्छी सी गाइडेंस नहीं मिली, बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, बच्चे को अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिला, तो ये दो साल बिल्कुल बर्बाद कर देगा, और इसका इफेक्ट आपको आगे 11th और 12th में दिखने वाला है, और 11th 12th का जो रिजल्ट आएगा उसका जो इफेक्ट है वो आपको पूरी जिंदगी झेलना पड़ेगा। तो जो प्री फाउंडेशन है इसमें बहुत ही अच्छा करना होता है, टीचर्स को बहुत मेहनत करनी होती है। यहाँ हम लोग करते हैं प्री फाउंडेशन को, प्री फाउंडेशन की तरीके से ट्रीट करते हैं, यहाँ पे उनके साथ उस तरीके से ट्रीट करते हैं, उस तरीके से पढ़ाते हैं, देन वो बच्चे हमारे आगे चल के 11th और 12th में जाके ऐसे हाईएस्ट परसेंटेज लाके नाम रोशन करते हैं। आगे बात करना चाहूंगा कि जो आसपास के देवली के आसपास के गांवों से जो विद्यार्थी देवली में पढ़ने आते हैं, तो गांव से भी आते हैं, तो उनके लिए हमारे व्हीकल सुविधा भी है, वाहन सुविधा है, उनको कोचिंग से घर तक जाने के लिए हमारे पास व्हीकल सुविधा है, तो व्हीकल सुविधा का भी आप फायदा उठा सकते हो, लक्ष्य क्लासेस से जुड़ सकते हो। एक सेकंड में देखो, ये देवली है इससे क्या बहुत सारे गांव कनेक्ट हैं, और यहाँ पे ये व्हीकल सुविधा हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को देनी पड़ती है। लेकिन हम यहाँ पे ये कह रहे हैं, आपने मोस्टली कोचिंग में देखा होगा स्टार्टिंग में आपको बोल दिया जाएगा कि आपका एक ही बच्चा है गाँव में और वहां हमारी गाड़ी जाएगी, लेकिन होता क्या है स्टार्टिंग के 1-2 महीने तक जाता है, फिर उसके बाद वो हो जाते हैं कि एक बच्चे को हम नहीं भेज सकते। यहां पे आप आओगे चाहे भले ही एक बच्चा, अगर हमने कमिटमेंट कर दिया हमसे, आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि वो पूरी साल तक आपके यहां जाएगा। व्हीकल सुविधा में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, चाहे वो एक बच्चा आए उसमें, चाहे 10 बच्चे आए, हम हमेशा साथ रहते हैं, क्योंकि हमारा वो भी एक बच्चा क्या दे सकता है, रिजल्ट देख सकता है। इसके आगे मैं बताने वाला हूं कि जो दूर के बच्चे हैं, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है या
देवली से बहुत दूर दूर के बच्चे हैं, तो लक्ष्य क्लासेज उनके लिए एक अच्छा माहौल का एक बेहतरीन हॉस्टल भी रखता है। लक्ष्य क्लासेज हॉस्टल के नाम से यहाँ पर हॉस्टल चलता है। इसके बारे में राहुल सर आपको कुछ और बातें बताने वाले हैं कि यहाँ पर हॉस्टल में क्या क्या सुविधा है, हॉस्टल में किस प्रकार बच्चों के साथ ट्रीट किया जाता है, किस प्रकार उनकी टीचिंग का मेथड होता है, तो राहुल सर बताएंगे। देखो सर, होता क्या है कि अपन को भाई कई बार